जगत जी, जैसा मैंने आपको प्रॉमिस किया था उसी तरह मैं आपके एक और बड़े इंटरेस्टिंग सेक्टर से हमारे साथ भी एक गेस्ट हमारे मौजूद हैं एआई सेक्टर से, मिस्टर आबिद रफीक साहब, हु हैपेंस टू बी द सीईओ ऑफ ट्रू आईडी। आई उनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम, क्या चाहते हैं? अच्छा सर, टेल अस अ लिटिल अबाउट ट्रू आईडी। जी, ट्रू आईडी जो है ना बेसिकली एआई बेस्ड स्टार्टअप है हमारी, और इट्स अ स्पिन ऑफ फ्रॉम नस्ट, और वी आर बेस्ड आउट ऑफ नेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क, एंड वी आर रेफरलाइजिंग केवाईसी प्रोसेस। सो अभी हो ही रहा है कि लेट्स से अगर आपको अपना बैंक अकाउंट खुलवाना है या सिम इश्यूस करवानी है तो आपको सर्विस प्रोवाइडर के पास जाना पड़ रहा है अपना आईडी कार्ड लेके, और वो आपको वेरीफाई करता है कि आईडी कार्ड ओरिजिनल है, इसी बंदे का है, और फिर आपसे बायोमेट्रिक वगैरह जो है ना वो फिंगरप्रिंट्स वगैरह जो है ना वो ले रहा होता है। तो इस सारे प्रोसेस में आपको अच्छा खासा जो है ना वो टाइम वेस्ट होता है, आपको हैसल होती है। सो व्हाट ट्रू आईडी इज़ डूइंग इज ट्रू आईडी इज़ ऑटोमेटिंग दिस होल प्रोसेस यूजिंग एआई। तो आपको ऑनलाइन जो है ना वो बैंक की ऐप डाउनलोड करेंगे, आप वहाँ पे क्लिक करेंगे क्रिएट एन अकाउंट, तो आप पूरे फ्लो से गुजरेंगे जिसमें हम सबसे पहले स्टेप में आपकी हम लाइवनेस चेक करते हैं कि यार जो बंदा कैमरे के सामने है वो जिंदा है, फिर हम आपको कहते हैं अपना आईडी कार्ड शो करें, आईडी कार्ड की ओरिजिनलिटी हम चेक करते हैं एआई के थ्रू, और फिर हम ये मेक श्योर करते हैं कि ये आईडी कार्ड इस बंदे का है कि नहीं। तो आईडी के ऊपर जो फोटो लगी हुई है वो आपकी लाइव सेल्फी से मैच करते हैं, और फिर उसके बाद हम आपकी बायोमेट्रिक आपको कहते हैं आप अपने फिंगर सामने रखें, हम आपकी बायोमेट्रिक वगैरह जो है ना वो कैप्चर करते हैं, फिंगरप्रिंट्स स्कैन जनरेट करवाते हैं, और नाजरक सर रियल टाइम में वेरीफाई करते हैं। इस सारे प्रोसेस में आपको 30 सेकंड्स के अंदर अंदर हम आपको वेरीफाई कर देते हैं। अच्छा सर, जैसे कि आप जानते हैं पाकिस्तान में आइडेंटिटी थेफ्ट का बड़ा क्राइसिस है, कैन वी एक्सपेक्ट इट टू गो डाउन बाय टेकिंग सच मेजर्स? बिल्कुल। तो आइडेंटिटी थेफ्ट जो है ना वो बेसिकली दो तरह से होता है, एक तो यार आपका आईडी कार्ड जो आपके पास है वो उसके ऊपर कोई और अपनी फोटो जो है ना वो लगा दे, ठीक है, तो वो बेसिकली हमारे एआई के जो मॉडल्स हैं वो बेसिकली इसको इंश्योर करते हैं कि यार कोई किसी ने ऊपर कोई फोटो किसी और की तो नहीं लगाई हुई, किसी ने उसके टेक्स्ट के साथ कोई टेम्परिंग वगैरह तो नहीं की हुई, तो हमको डीप एनालिटिक्स वगैरह करके तो हम इस चीज़ को रिजेक्ट करते हैं कि यार ये ओरिजिनल आईडी कार्ड है कि नहीं। तो हमारे जो एआई के मॉडल्स हैं ये काफ़ी रोबस्ट हैं, और ऑलरेडी तो आपको पता है कि हम बैंक्स के साथ काम कर रहे हैं, और बैंक्स के पास तो आपको पता है सिक्योरिटी की जो है ना हाईएस्ट लेवल ऑफ मेजर जो है ना वो चाहिए होता है। तो हमने अभी अस्करी बैंक के साथ अभी बायोमेट्रिक वगैरह की हमने वो किया लॉन्च वगैरह, तो हम कोई 2.5 लाख लोगों के बायोमेट्रिक वेरीफाई कर चुके हैं उनके साथ, और अभी उन्होंने हमारे साथ एंड टू एंड अकाउंट ओपनिंग वगैरह की हुई है, और उसमें ना फिर मल्टीपल फैक्टर्स हमने यूज़ किए हुए हैं। लेट्स से आपका फेस बायोमेट्रिक है एक फैक्टर है, इसके अलावा आपका जो फिंगरप्रिंट है वो दूसरा फैक्टर है, इसके अलावा हम आप उससे ना कुछ ऐसे क्वेश्चन भी पूछते हैं नाजरा से वापस रिटर्न करवा के जो कि उसके आईडी कार्ड के ऊपर नहीं होते, नादरा के पास होते हैं। जैसे कि हम जानते हैं एआई इज द फ्यूचर, हम अग्री करें या ना करें, तो हाउ इंपॉर्टेंट इज इट टू इंटीग्रेट इट इन आवर एजुकेशन सिस्टम? जो काम ह्यूमन कर सकता है ना इंसान कर सकता है, और वो बड़ा बोरिंग रिपीटेटिव काम जो है ना वो इंसान को करना पड़ता है, तो एआई दैट्स द आइडियल प्रॉब्लम टू सॉल्व यूजिंग एन एआई। तो मैं तो ऑलरेडी तकरीबन 2017 से एआई की स्पेस के अंदर हूँ, तो हमने बेसिकली बैंकिंग सेक्टर के अंदर इसको लेवरेज किया है, जहाँ पे आपके पास कंप्लायंस है, डॉक्यूमेंट्स हैं बहुत सारे, और बंदे लगाए होते हैं जो कि स्क्रूटनाइज कर रहे होते हैं कि यार ये डॉक्यूमेंट कंप्लाई कर रहे हैं रेगुलेशन को कि नहीं, तो हमने उस पूरे प्रोसेस को एआई के थ्रू ऑटोमेट किया है। तो दैट्स वेयर द की वैल्यू इज, बंदों से आपको इंटेलिजेंट काम करवाएं। अच्छा, इससे हमारी आवाम में बड़ा एक कंसर्न भी है, वो कहते हैं भाई एआई तो फ्यूचर है ही है, ये हमारी बड़ी ज्यादा पहली जॉब अपॉर्चुनिटीज इतनी कम है, ये और भी हमारी अपॉर्चुनिटीज खा जाएगा। वो बिल्कुल आपने अच्छा कि एक मिथ है, और जिस तरह वो टाइपराइटर और बेसिकली कंप्यूटर आया था, लेकिन वो आपने वो देखा यार लोग बेरोजगार हो जाएंगे, लेकिन आप देखिए कंप्यूटर के आने से कितनी ज़्यादा जॉब क्रिएशन हुई है। अब एआई के आने से आपको मैं बताऊँ कि आपके जो लो स्किल वर्कर्स से लेके हाई स्किल तक सारों के लिए जॉब्स हैं। अब आपके पास डाटा होगा, डाटा की लेबलिंग करनी है, तो आपको मास स्केल पे डाटा को लेबल करना है, तो आपके जो मैट्रिक पास एफए के जो लोग हैं वो बेसिकली वहाँ पे जो है ना वो यूज़ हो सकते हैं। तो वो इस तरीके से जब आपके पास आगे जब जा रहे होंगे तो आपके जो सीएस या आईटी के जो ग्रेजुएट्स वगैरह हैं वो मॉडल्स को जो ना वो ट्रेन कर रहे होंगे, फिर लोग एप्लीकेशन उसके ऊपर जो ना वो लिख रहे हैं, तो मल्टीपल फिर लोग कुछ टेस्टिंग कर रहे होंगे मॉडल्स की, तो नई से नई जॉब क्रिएशन हो रही होगी। इट्स अदर वे अराउंड, लोगों की जो ना ये मिसकंसेप्शन है कि एआई जो है ना वो जॉब जो ना वो ले रहेगी, तो एआई बेसिकली आपकी जॉब को कम्प्लीमेंट कर रही होगी। कुछ केसेस में बिल्कुल ठीक है, जिस तरह आपके जो कस्टमर सर्विसेज वगैरह हैं तो वर्चुअल असिस्टेंट आ जाएंगे एआई के ऊपर, तो कुछ जगहों पे तो डेफिनेटली एआई जो है ना वो कुछ चीज़ें टेक ओवर कर रही है, लेकिन और बहुत सारी नई जॉब जो है ना वो क्रिएट हो रही होंगी। ऑन द एंडिंग नोट, व्हाट वुड यू लाइक टू से टू ऑल द पीपल एंड एस्पायरिंग सीएस ग्रेजुएट्स? अच्छा, मैं ये कहूँगा कि यार आपको जो है ना वो प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर जो है ना वो फोकस करना चाहिए, बजाय कि आप जो है ना वो टूल्स जो है ना वो सीख रहे हों, इक्विप वगैरह कर रहे हों। आपको जो आपकी बेसिकली यूनिवर्सिटी एजुकेशन है इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो आपको जो है ना वो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स सिखा सकती है, साथ साथ आप अपने जो स्किल्स हैं उनको जो है ना वो कर रहे हों, ब्रशअप कर रहे हों, और वेरी अर्ली आप मैं चाहूँगा कि किसी स्टार्टअप के साथ या किसी
कंपनी के साथ जो ना एंगेज हो जाएं, तो आप जाहिर से अपना टाइम जो ना वो ज़ाया कर रहे हो, किसी प्रॉब्लम को जो ना वो आप सॉल्व कर रहे होंगे, तो उससे फिर आप सीखेंगे, तो आप देखेंगे यार वो किस तरह से प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, तो बाय दैट टाइम आप भी, तो मैं चाहूँगा कि आप में से काफ़ी सारे लोग जो है ना वो अपनी कंपनीज की तरफ जा रहे हो, एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जा रहे हो, ना सिर्फ ये कि आपने एक अच्छी जॉब जो है ना वो करनी है। तो जितना अर्ली आप स्टार्टअप के साथ कंपनी के साथ एंगेज हो जाएंगे सेमेस्टर के दौरान, उतना ही ज़्यादा फिर आपको लेटर पार्ट ऑफ टाइम आपको पता होगा कि हाँ ये प्रॉब्लम है जो मैंने सॉल्व करनी है। चलो थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। थैंक यू वेरी मच फॉर इन्वाइटिंग मी।